हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा सब्जेक्ट का पहला ही लेक्चर है इंट्रोडक्शन अबाउट पावर सिस्टम। पावर सिस्टम क्या है, मेरा पहला ही टॉपिक है इसके रिगार्डिंग। देखिए, व्हाट इज पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के हमने सिलेबस देख लिया है, सिलेबस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो, पावर सिस्टम को जानने के लिए एक वाइड है, बहुत बड़ा चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे सीखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वही थियोरेटिकल चीज़ें ना कराएं जो हर कोई कराता है, थोड़ा डिफरेंट समझाने की मेरी अप्रोच होगी आपको। और दूसरी की बातें यहाँ पे होगी पावर सिस्टम के रिगार्डिंग, कि पावर सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। पावर सिस्टम के बारे में मैं जो भी आपको सिखाऊं वो जरूर आपके एग्जाम रिलेवेंट हो, कहीं हम सीखते सीखते दूर ना चले जाए, ये जरूर हम टारगेट करेंगे इस चीज़ को सीखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें पावर सिस्टम को सीखने में हो सकता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूरे बढ़िया से जानने के लिए एक या दो लेक्चर लग जाए, ये लेक्चर और एक और लेक्चर आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन हम पावर सिस्टम को ओवरव्यू जान लेंगे, और जो मैं अभी करा रहा हूँ ना, अभी देखना मैं इसको पूरा अभी कनेक्ट करूँगा, ये सारे सिस्टम को इनको करा के मैं ये रियलाइज़ करा दूंगा आपको कि सारे जो यूनिट 6 और 7 यूनिट हमने कराए थे कल, है ना, जो हम बोले कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 यूनिट इंपॉर्टेंट है, 2 एडिशनल है, पर वो जो 7 के 7 यूनिट है सब इसी में कहीं ना कहीं कंबाइन है, इसी का एक पार्ट है ना, इसी का पार्ट बना हुआ है। तो हम देखेंगे, अभी यहाँ पे हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मैं पहले हर चीज़ ड्रॉ कर देता तो शायद आप इस चीज़ को बहुत क्लियर से नहीं समझ पाते। ये एज यूजुअल आप बहुत जगह देखते हो, राह चले हर जगह आपको मिलता है। यहाँ पे हमने लिया है जनरेशन सिस्टम, ये ट्रांसमिशन के बड़े बड़े खंभे आपके लिए ले रखा है, ठीक है ना, आपके लिए तो क्या ले रखा हूँ, मतलब ये ट्रांसमिशन सिस्टम है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं भी ग्रिड है हमारा, है ना, ग्रिड सिस्टम हमने लिया है, और ये आपके सपनों का घर है ना, एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उसको, यूटिलाइजेशन सिस्टम। तो यानी पावर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका इंटरकनेक्शन, इसी के कनेक्शन, इसके कॉम्बिनेशन कहलाते हैं पावर सिस्टम। क्लियर, यानी पावर सिस्टम क्या है, आप कह सकते हो व्हाट इज पावर सिस्टम, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। अब इसके दरमियान जो हम ध्यान रखेंगे कि हमने जो 6 और 7 पॉइंट करवाए हैं, 7 पॉइंट जो हमारा सिलेबस है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पॉइंट से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं, तो उनको इसमें हम मर्ज करने का कोशिश करेंगे कि कहां से क्या चीजों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात मैं करूं पावर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो हमने देखा कि जनरेशन होगा तो ट्रांसमिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन यूटिलाइजेशन होगा। अगर बात करें इंडिया के अंदर जनरेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, तो जनरेशन सिस्टम बहुत सारे हैं, हाइड्रो है, विंड है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने का काम करता है आपको। अब देखिए ये सब चीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये है तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है जनरेशन कौन कौन करता है, तो ध्यान रहे जनरेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। अगर कोई कहता है सेंट्रल कौन प्रोवाइड करता है, तो सेंट्रल में जितने एनटीपीसी है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट की, तो जिनको जितनी आती है ना वो सारे स्टेट गवर्नमेंट की है, जैसे महाराष्ट्र जिनको पहले वैकेंसी भी आती थी, अभी कुछ दिनों से रुका हुआ है, तो ये चीज़ वो जनरेशन की, स्टेट जनरेशन की है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर बात की जाए और उस वहाँ पे आपका सेंट्रल ये प्राइवेट वाले सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में जनरेशन का कौन काम करता है, जैसे रिलायंस, टाटा खुद का जनरेशन करती है ना, और ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेचती है बाकायदा सेंटर को। तो ये चीज़ें हैं प्राइवेट, तीनों का आपने देख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो हमारा टर्म आता है ट्रांसमिशन, ये जो सेक्शन है ये ट्रांसमिशन सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रांसमिशन में एक ही मेन अभी महारत है जो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन को देखता है, उसकी वेंडर और सब सिस्टम बहुत ज़्यादा है, वेंडर उसके साथ मिलकर बहुत काम करती है, उस कंपनी का नहीं बात कर रहा, पावर ग्रिड एक ऐसी कंपनी है जो हर जगह ट्रांसमिशन का काम देखती है। बात रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मली जैसे साउथ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, वैसे नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे ऐसे होते हैं, तो हम सबकी चर्चा करेंगे बारी बारी से। पहले देखते हैं एक बार यहाँ से, देखिए अगर मैंने कहीं से जनरेट किया, सपोज दैट ये एनटीपीसी हुआ, लेट्स एग्जांपल एनटीपीसी है हमारा, तो यहाँ से हमने जनरेशन किया, तो जनरेशन किया तो हम जनरेशन में ट्रांसमिशन लाइन को जनरेट करके हमने दिया। अब देखिए कनेक्शन आप देखते रहिएगा अच्छे से, इसका कनेक्शन इंसुलेटर के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं, नेक्स्ट जाएगा सैग होगा, ये सब सैगिंग जो वर्ड आ रहा है ना, देखिएगा ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ से।
यहां से ये पॉइंट बना, तो ये एक फेज हो गया, ये एक ट्रांसमिशन हो गया, कहां जाएगा जी, ग्रिड में यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन से ये कहां चला जाएगा, गांव घरों में, है ना, गांव घरों में आपके चले जाएंगे कनेक्शंस बोले तो, ये यहां से कनेक्शन इसका चला जाएगा यहां से, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एक फेज को दिया तो दूसरे फेज को भेजना पड़ेगा और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाएगा, है ना। और फिर तीसरे फेज की बात करूं तो देखिए ये भी है, आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक और ले लिया तो यहां से भी जाएगा और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फिर यूटिलाइज होगा तो घरे घर जाएगा ये, है ना, हर घर को जाएगा। अब समझिएगा, नेक्स्ट न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेफ्टी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, ये हमारा जो है न्यूट्रल पॉइंट है जो हमेशा यूज किए जाएंगे और आगे भी भेजा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। और किसी गांव में हम अर्थिंग भी यूज कर लेते हैं, न्यूट्रल का भी यूज करते हैं, उसकी बात अलग है। हालांकि क्या और क्यों में हम अक्सर आपको देते रहते हैं कि क्या क्यों किस लिए क्या होता है। अब यहां देखिए, ये तीनों चीज जो हमारा ये सबका कॉम्बिनेशन जो हो गया ना, किसी का कॉम्बिनेशन है, देखिए पावर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, जेनरेशन, जेनरेशन के बाद हम कहां गए, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद मैं कहां गया, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कहां गया, यूटिलाइजेशन। तो पावर सिस्टम जो है ये चार मेजर पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। क्लियर, यहां तक आपने तो देखा। अब हम इससे बारे में और बहुत चीज डिटेल समझेंगे, एक एक चीज। हमारे 6 और 7 यूनिट थे, अब उन 6 और 7 में कौन से पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं और हमको किसके बारे में सीखना है, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारे लिए। तो हम ये देखेंगे कि किस चीजों को सीखना है। यहाँ पे अगर जेनरेशन सिस्टम है तो हमने बोला जेनरेशन सिस्टम में NTPC भी आ सकता है, जेनको भी आ सकता है, रिलायंस भी आ सकता है, और टाटा की कंपनी भी आ सकती है। ये जेनरेशन सिस्टम में आता है, जिसमें NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट, टाटा की हमारी प्राइवेट होती है, और जेनको जितनी भी है वो स्टेट गवर्नमेंट जनरेट करती है। चलिए हमारा सिलेबस को टारगेट कीजिए। सिलेबस क्या कहता है, पहला ही हमने लिया था केबल, पावर सिस्टम को हमारे अपने तरीके से कैसे पढ़ना है, केबल को लास्ट में दिया है सिलेबस में SSC ने, लेकिन हमने पहले क्या लिया था सीखने के लिए, केबल, केबल का यूटिलाइज कहाँ करते हैं। नॉर्मली समझिए, केबल का यूटिलाइजेशन आज के डेट में कहाँ करते हैं, मेट्रो सिटी के अंदर केबल का उपयोग किए जाते हैं। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओवरहेड तार को के बजाय हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरग्राउंड से क्या होता है, हमारे सेफ्टी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वायर इधर उधर ना लटके, चूंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, तो हम क्या करते हैं मेट्रो सिटी के अंदर हमेशा अब केबल का उपयोग करते हैं। तो ये कहाँ पे उपयोग होगा, देखिए मेट्रो सिटी, ये तो हमने मान लो कि कोई गाँव घर के घर बना दिया हो ना, अगर कोई मेट्रो सिटी के पास होगा, मेट्रो सिटी के पास होगा, तो मेट्रो सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना केबल के थ्रू होता है, किसके थ्रू, अब केबल के थ्रू। और ये ज़्यादा दूरी तक के लिए केबल को प्रीफर नहीं करते, हर जगह केबल यूज करो, नहीं, इसकी मैक्सिमम हम लेंथ रखते हैं 50 किलोमीटर का रेंज, है ना, एक केबल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैक्सिमम हम रेंज रखते हैं 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखते। क्यों, क्योंकि इसके लीकेज करंट बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, है ना। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ, मेट्रो सिटी के अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मेट्रो सिटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके थ्रू करते हैं हम, केबल के थ्रू, किसके थ्रू, केबल के थ्रू। अगर यहाँ पे चर्चा की जाए ये कौन सा केबल है, अंडरग्राउंड केबल, कौन सा, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल। इसका मतलब पहला ही यूनिट जो अपने को पढ़ना है, हमने बोला और एग्जाम में पूछता है SSC इससे, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या एग्जाम में आप जाओगे एग्जाम में पूछता है, तो इसी केबल की बात करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन से यूज किए जाते हैं। ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज पे उसको केबल को कभी ऑपरेट नहीं करते, तो ट्रांसमिशन के लिए नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यूज करते हैं। 11 kV है तो ठीक है, आप उससे लगा लो, ज़्यादा आप बात करोगे 13 kV तक ठीक है, 32 kV, 33 kV अगर बात की जाए तो ठीक है, 66 kV तक भी कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उससे कम, हाई रेटिंग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कभी वोल्टेज के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो अंडरग्राउंड केबल मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेफर किए जाते हैं, इसका मतलब पहला यूनिट हमारा यही है, ठीक है, पहला यूनिट हमारा क्या है, यहीं से है।
दूसरी बात करूं, दूसरा यूनिट क्या था, इंसुलेटर। इंसुलेटर से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। इंसुलेटर कौन सा है, ये देखिए, दिस इज इंसुलेटर। यहां पे अगर बात करूं, ये ही हमारा इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों यूज करते हैं, कितना यूज होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट है आपका इंसुलेटर, तो दूसरा यूनिट पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है इंसुलेटर का यूज कैसे होता है, क्या रेटिंग होनी चाहिए, किस चीज का बनता है, और अलग अलग तरीके से उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट कितना होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है ना। इससे क्वेश्चन मैथमेटिकल भी आता है, थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो दूसरा यूनिट यहां से मिल गया। ट्रांसमिशन के दौरान जो वायर जा रहे हैं ना, ये बड़े बड़े टावर में, तो इसके थ्रू जो हम यूज करते हैं इंसुलेटर के थ्रू, क्योंकि ये डायरेक्ट लोहा से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, आयरन से कर देंगे तो कनेक्शन ऐसे हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि एकदम नजदीक भी पास नहीं कराते, दूर गैप रखते हैं, जितना वोल्टेज उतना दूर। सब चीज का अलग अलग रीजन है, हम सबकी बात करेंगे, लेकिन इंसुलेटर यही है। इंसुलेटर के बारे में हमने दूसरा टॉपिक आपसे रखा था। चलिए थर्ड वन पॉइंट क्या था हमारा। ओके, तो हमने देखा एक पहला केबल्स, दूसरे इंसुलेटर, थर्ड वन पॉइंट हमने आपसे कराया था प्रोटेक्शन सिस्टम। प्रोटेक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, थ्योरेटिकली बहुत सारा हिस्सा था पावर सिस्टम का दिया हुआ एसएससी जेई के अंदर या किसी भी स्टेट एग्जाम के अंदर, तो वो क्या होता है, बहुत सारा हिस्सा रहता है प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो प्रोटेक्शन में कहाँ यूज कहाँ हो रहा है, प्रोटेक्शन तो आपने कहीं देखा ही नहीं। प्रोटेक्शन मतलब क्या था, प्रोटेक्शन मतलब वहां दिया था स्विच गियर, है ना, स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर, है ना, सर्किट ब्रेकर। अब इसका यूज कहां पे है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात की जाए, यानी जनरेशन से लेके अप टू यूटिलाइजेशन तक, तो सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है। वाइड जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यूटिलाइज करना, इतने लंबे सिस्टम को अगर बिना प्रोटेक्शन के छोड़ दे, तो कोई भी एक फॉल्ट यहां आया या यहां आया, तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। पूरा सिस्टम किस तरीके से, अगर कोई फॉल्ट यहां आया तो आगे सप्लाई रुक जाएगा। दूसरा, यहां अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, हैवी फॉल्ट अगर यहां से हो जाता है, तो हेवी फॉल्ट अगर यहां से होता है, इसका मतलब क्या, ये सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, तो ये भी डैमेज, उधर तो कनेक्शन ही नहीं जा रहा। तो पावर सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रोटेक्शन के आप पावर सिस्टम का मतलब इमेजिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए भी और हम पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी यूज करते हैं। तो पावर सिस्टम में हमारा जो होता है सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ होता है और स्विच गियर क्या है, तो यहां पर ध्यान रखें, इसमें मेनली होते हैं रिले और सर्किट ब्रेकर। रिले का काम क्या होता है, सिग्नल को सेंस करना और किसको देना, सर्किट ब्रेकर को। वो बात अलग है, सर्किट ब्रेकर अभी तो एक लाइन में बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत प्रकार के होते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना, आप कह सकते हो कि SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आप सोचिए यूज कहाँ किया गया, जितने भी ट्रांसमिशन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन है या जनरेशन है, हर जगह सेफ्टी यूज किया जाता है। मतलब जनरेट किया गया तो यहाँ जरूर सेफ्टी यूज किए गए होंगे, सेफ्टी यानी सर्किट ब्रेकर का उपयोग यहाँ हो गया होगा, कि कोई ट्रिपिंग किया, कोई भी फॉल्ट हुआ तो तुरंत ट्रिप कर जाएगा, हमारे जनरेटिंग सिस्टम अफेक्ट ना करे। ट्रांसमिशन सिस्टम ये तो इतना छोटा तो होगा नहीं, लॉन्ग ट्रांसमिशन वे होता है, तो रास्ते में बीच बीच में क्या कर लिया जाता है, देखिए बीच बीच में ग्रिड तैयार किए जाते हैं। बीच बीच में आप देखोगे ना, ग्रिड होते हैं, बड़े बड़े ग्रिड होते हैं। ये ग्रिड क्या करता है, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन जो जा रहा है, इसके कनेक्शन को यहां से लिया और ग्रिड में लिया, और यहां पे क्या करते हैं, हम देखिए यहां पे लगाते हैं सर्किट ब्रेकर, है ना, बड़े बड़े सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ग्रिड होते हैं, सब स्टेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सब चेक करता है, और हम चूंकि सर्किट ब्रेकर तो हवा में लटकाएंगे नहीं, हवा में ऐसे ट्रांसमिशन लाइन में सर्किट ब्रेकर तो लगाएंगे नहीं, वो हम जब स्टडी करते हैं तो यहां दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहां लगेगा, ये ग्राउंड पे, यानी एक ग्रिड लाया, ग्रिड के थ्रू हमने यहां से कनेक्ट किया, अब इसके वायर को फिर भेज देंगे, और यहां सारे सेफ्टी, उसके सीटी पीटी, कितना वोल्टेज है, टेस्टिंग वेस्टिंग का हर एक अरेंजमेंट होगा, चाहे रिले लगा हो, हर एक चीज यहां से लगा हो, तब कनेक्शन जाता है लॉन्ग ट्रांसमिशन। ये तो यही दिखा दिए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये होता है, ये सब फेज, ये भी फेज आएगा, ये भी फेज आएगा, और फिर यहां से उठ के जाएगा। अब बीच में कहीं मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, उसको सप्लाई देना है, तो इससे और वोल्टेज डाउन करके इंडस्ट्री को पहुंचा देंगे, और ये ट्रांसमिशन आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हर जगह सेफ्टी की तो हर जगह है। अब यहां से यहां जा रहा है, यहां पे भी आपको सर्किट ब्रेकर चाहिए, रिले के साथ अरेंजमेंट चाहिए, रिले
सर्किट ब्रेकर क्या है? इट इज द कंजक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ रिले, कॉम्बिनेशन के साथ यूज किए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? किसी फॉल्ट को सेंस करता है और ये क्या करता है? उसको ट्रिप करता है। तो यानी हमारा थर्ड वन पॉइंट क्या है, यानी सर्किट ब्रेकर यहाँ लगा है, सर्किट ब्रेकर यहाँ भी लगेगा, सर्किट ब्रेकर यहाँ भी लगेगा, ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन में सर्किट ब्रेकर का बड़ा यूज होता है ना। तो हम कह सकते हैं जो सर्किट ब्रेकर आपने देख लिया, ये कौन सा यूनिट है हमने बनाया? थर्ड यूनिट। हमने कौन सा यूनिट बनाया था इसको? थर्ड यूनिट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इस ट्रांसमिशन लाइन की अगर चर्चा की जाए तो देखिए हाई वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है जी? तो न्यूट्रल पॉइंट है ना। कौन सा वोल्टेज है अगर बात की जाए तो ये हाई वोल्टेज जा रहा है ट्रांसमिशन में। कभी भी लो वोल्टेज, अब 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन थोड़ा भेजेंगे बड़ा बड़ा खंभा में, 11 केवी तो नियर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, यानी आप अपने गांव में जो ट्रांसफार्मर देखते हो उससे पहले तो 11 केवी आता है और वो तो खंभे पे नॉर्मल वायर पे भी रहता है कि नहीं। तो उसके इंसुलेटर के साइज भी छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े इंसुलेटर पे होते हैं है ना। तो ये बड़े बड़े इंसुलेटर पे होते हैं, अगर देखना आपको तो देखिए, आपको इमेज के अंदर दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े इंसुलेटर का यूज होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। तो ये तो है इंसुलेटर है ना। चलिए तीसरा पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया है, यानी अबाउट सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में। तो फोर्थ वन पॉइंट हमने बोला कि हाई वोल्टेज जो है, ये देखिए हाई वोल्टेज जो है, यहां भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिट है। हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन होता है तो दोनों के वायर के बीच आप देखते हो ना, गैप रखा जाता है, गैप रखा होता है ना। अगर वो करीब किसी का ना गया ना, तो हो जाता है कोरोना। क्या होता है? कोरोना। और आज के डेट में बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा है, यानी कोरोना क्या हुआ वहां भी, देखिए ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना कब होता है? जब दो वायर आपस में क्लोज आएगा तो कोरोना होगा, हैवी स्पार्किंग होगा, ब्लू कलर का लाइट एमिट होगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, नॉइज उत्पन्न होता है, साउंड बहुत उत्पन्न होता है, हैवी स्पार्किंग होती है, तो कोरोना कहता है दूर जाइए। कोरोना क्या कहता है? दूर रखो। कोरोना क्या होता है? कहता है दूर रहिए। वही आज के डेट में कोरोना भी तो यही कहता है, दो ह्यूमन टू ह्यूमन, चूंकि कोरोना ट्रांसफर होता है वायरस उसके, है ना, तो क्लोज मत आइए, क्लोज आइएगा तो क्या होगा? कोरोना। तो वही चीजें यहां से रिलेट कीजिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चौथा या पांचवा जो पॉइंट है, यूनिट है, वो हम परिणाम को पढ़ना, उसके अंदर कोरोना, फिर एंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट है ना, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। तो यही है कोरोना। और कोरोना के बारे में एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कोरोना से क्या होता है? पावर की क्षति, पावर की क्षति। कोरोना से क्या होगा? पावर का लॉस होगा। सोचो ना तुम्ही, कोई बोलता है कोरोना तो क्या होगा? आप सोचिए, कोरोना करने से क्या होगा? ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस होगा, पावर का लॉस होगा। तो यानी कोरोना यहाँ पे होगा, फिर एंटी इफेक्ट की बात करेंगे, स्किन इफेक्ट की बात करेंगे, इसी कंडक्टर की बात करेंगे, इस कंडक्टर में स्किन की बात करेंगे, स्पिन की कौन सा कंडक्टर होलो या होना चाहिए, बंडल्ड कंडक्टर का उपयोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, एक मोटा तार होकर ना, एक मोटा तार नहीं होने के बजाय हम क्या करते हैं, कई पतले तारों का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कॉपर का वायर होता है ना। तो ये स्किन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट को देखेंगे जो हो रहा है हमारे इसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ठीक है ना। तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ओके, अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो हमारे लिए क्या है? फॉल्ट। पांचवा टॉपिक जो हमने रखा था यूनिट, सबको बारीकी से पढ़ना, फॉल्ट। ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट कहां अकर्स होता है? ये कह के तो आने वाला सिस्टम है नहीं, तो ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट जितना हमको फॉल्ट के लिए, मतलब आप ये समझ सकते हो कि फॉल्ट कब आएगा ये हमको बता के नहीं आएगा, तो उसके लिए हम पहले से क्या होते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, पहले से हम क्या करते हैं? अवेयर रहते हैं, और इसीलिए हम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। कौन वायर कहाँ फॉल्ट कर जाए नहीं पता, तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं उस वायर को, ताकि उधर की चीज़ें डैमेज हो गया तो उसको दोबारा करेक्ट किया जाए, बाकी का चीज़ें चलते रहे। तो हम इसीलिए क्या यूज़ करते हैं? सर्किट ब्रेकर वगैरह भी यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम। लेकिन फॉल्ट का कोई पता नहीं कहाँ हो जाए, मान लो इसी ट्रांसमिशन लाइन में हो जाए, ये वायर जाके इसी से जुड़ जाए, फॉल्ट बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आपके घरों में डायरेक्ट अर्थिंग से टच हो सकता है, ग्रिड स्पार्क कर सकता है, तो फॉल्ट कुछ भी तरीके से हो सकता है। मान लो एक ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में देखते हो ना कई बार हैवी स्पार्किंग होता है, आपके ग्रिड के अंदर देखते हो कई बार बहुत ज्यादा स्पार्किंग देखने को मिलता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है, ये सब एक तरीके से क्या है? हमारा फॉल्ट है, है ना। तो फॉल्ट को हम कहीं ना कहीं रिमूव करने का काम करेंगे। ये ग्रिड के अंदर, देखिए ग्रिड के अंदर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हम यहाँ पे ग्रिड फॉल्ट से बचने के लिए, यहाँ पे फॉल्ट से बचने के लिए बकखोल्ज रिले का उपयोग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं। तो फॉल्ट एक कह सकते हो अननेचुरल है कि कब आ जाए कोई ठीक नहीं है, है ना। कब कहाँ पे आ जाए वो वेदर का कंडीशन के कारण हो सकता है, आपके कोई चीज़ ज़्यादा एजिंग इफेक्ट के कारण हो सकता है,
आपके मतलब आंधी तूफान आने के कारण दो वायर का कोलिजन होने से हो सकता है, तो फॉल्ट का वे कुछ हो सकता है, चाहे आपका हेवी टेम्परेचर से क्या हुआ, इंसुलेशन डैमेज हो गया तो फॉल्ट हो सकता है, तो फॉल्ट के वे बहुत सारा हो सकते हैं। तो हमने देख लिया फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब पांचवा टॉपिक हमारा एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, पांचवा टॉपिक। चलिए अब मैं बात करूं इसके बाद क्या, इसके बाद हमने पढ़ना है सिक्सवन टॉपिक था हमारे सिस्टम का पावर स्टेशन, किसकी बात की थी, पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन जो जनरेशन है ये भी एक पावर का स्टेशन, यानी पावर ही तो यहाँ पर कैरी किया गया है और आगे ट्रांसमिट किया गया है, तो पावर स्टेशन ये हो गया। ये ग्रिड जो है, यहाँ जो ग्रिड आपने बनाया है ना, तो ये भी एक तरीके से क्या है, पावर का स्टेशन है ना, कह सकते हो ये भी एक पावर का स्टेशन है, ये भी एक पावर का स्टेशन है। आपको पता है पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस किसको बोला जाता है, जहां पे जनरेशन होता है, जनरेशन को पावर हाउस भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे जो आप कह सकते हो ना पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन हमारा कौन सा टॉपिक हमने लिया, पावर स्टेशन की बात करिए, ग्रिड भी एक पावर स्टेशन है या लिया है, आगे भेजेगा, यानी छठा टॉपिक पढ़ेंगे किसके बारे में, पावर स्टेशन के बारे में, यही सब तो है पावर स्टेशन। तो आई होप ये चीज आपने देख लिया, और भी कई चीजें हैं जो हमने बोला कि एडिशनल में हम देखेंगे, वो कौन सा एडिशनल टॉपिक था जी, वो बोला था हमने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के बारे में पता करना है ना, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर का पता करना, फॉल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर क्या होते हैं, अगर बात की जाए इस ट्रांसमिशन लाइन की पैरामीटर की, अगर कोई चर्चा करे इसके पैरामीटर, तो ये पैरामीटर कैलकुलेशन हमने बोला था ए बी सी डी पैरामीटर कैलकुलेट क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में ये जो ट्रांसमिटर होते हैं ना, इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मेनली दो चीज़ें होती है, क्या क्या, एक उसकी वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा उसकी इफिशियंसी। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की या किसी भी चीज़ों का अगर हम परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है, एक तो उसकी इफिशियंसी और दूसरा उसका वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए लोड के घटने बढ़ने से, और इफिशियंसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो कोई ऐसा लॉस नहीं बता रहे हो क्या, हाँ लॉस कंसिडर ऑटोमेटिक, जब इफिशियंसी निकालेंगे तो लॉस ऑटोमेटिक कंसिडर हो जाता है ना। तो दो पैरामीटर मेन होते हैं पैरामीटर्स, वो कौन कौन सा है, एक इफिशियंसी और दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन। तो आई होप, और दूसरा जो वोल्टेज पैरामीटर एबीसीडी पैरामीटर तो निकालेंगे ही एबीसीडी, लेकिन आपके एसएससी नहीं पूछता, पर हम जितना हो सके हम आपको कोशिश करेंगे कि अलग से फोल्डर बनाने की। आई होप आपने देख लिया कि जो हमारे पावर सिस्टम है, ये कंप्लीट एक पावर सिस्टम है, उससे जो हमने 6 यूनिट निकालने हैं, 6 और 7 जो मैंने बोला एसएससी जो पूछ रहा है उनसे किस तरीके से हम निपट लें, है ना, ये हमारा मेन टारगेट था। हमने देख लिया हर चीज को, एक तरीके से इमेजिनेशन आ गया। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन में क्या है पावर सिस्टम आपने बढ़िया से देखा, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, और इसी से हमने निकाल लिया अपने यूनिट को कहाँ कहाँ से उठा के पढ़ना है, ये भी आपने देख लिया। तो अभी तक हमने थ्योरेटिकल ज्ञान देखा, अब कुछ हम डाटा के साथ आपके पास प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ डाटा लेके कि कौन कितना क्या जनरेट कर रहा है, क्यों 11 kV जनरेट किया जाता है, मैक्सिमम कितना kV जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन सी कंपनी है, उसके बाद जनरेशन में कौन कौन सी सिस्टम है। आपको पता है एक जनरेशन यहाँ होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचना कितने की क्षति होती है, कितने की लॉस होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक एनालिसिस डाटा को लेके आएंगे, जैसे विंड टरबाइन है तो क्या है, किस लिए है, और जनरेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम फैक्चुअल डाटा के साथ आपके पास प्रेजेंट होंगे। इस वीडियो को आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।